पूरा मीरा भाईंदर पानी में आज डूबते डूबते बचा है, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हाई टाइड के वक्त बारिश खुल गई है। यहाँ पर हम कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के मुजफ्फर हुसैन जी के साथ है, वो भी जायजा ले रहे हैं पूरे इंद्रधनुष माहौल का। मुजफ्फर जी, क्या लगता है, पानी इतना जो बड़ा, ये तो कुदरत का ही कहर था कि प्रशासन की कोई गलती है, कैसे लगता है आपको? डेफिनेटली बरसात तो ज़्यादा हुई है, मगर इतनी बरसात के अंदर इतनी बुरी परिस्थिति मीरा भाईंदर की कभी भी नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉन डेवलपमेंट जोन का जो एरिया है, जो CRZ का एरिया है, इसमें जो लगातार भरनी की जा रही है, लैंड रिक्लेम किया जा रहा है, CRZ नॉन डेवलपमेंट जोन के एरिए के अंदर जो बांधकाम किए जा रहे हैं और जो वेट लैंड है उसे गुजा दिया जा रहा है, उसको रिक्लेम किया जा रहा है, ये उसका नतीजा है। मतलब कि आप भी डिप्यूटी मेयर रह चुके हैं, MLC में MLA रह चुके हैं, आपने काफ़ी समय काम किया है मीरा भाईंदर में, ये जो है टाउन प्लानिंग का काम है कि ये पालिका प्रशासन का काम है कि विधायक, किस तरह से ये पूरा आंकड़े होना चाहिए? टाउन प्लानिंग महानगर पालिका का हिस्सा है, एक डिपार्टमेंट है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा जो काम है सारा महापालिका का है। ड्रेनेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारा महापालिका का काम है। इस शहर के अंदर की अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आज बन करके तैयार हो करके 5 साल हो गए, मगर उसे शुरू नहीं किया गया। शायद उसे शुरू किया गया होता आज ये परिस्थिति शहर की इतनी बुरी नहीं होती। तो इसमें मल्टीपल इश्यूज जॉइंट हो गए हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो है उसे चालू नहीं किया गया है, वेटलैंड को रिकवर किया जा रहा है, CRZ को बुझाया जा रहा है, मैंग्रोव को नष्ट किया जा रहा है, तो उसका सारे एक चीज़ का ये रिपरकेशन है। आप बहुत समय से मीरा भाईंदर, आपका बचपन जन्म से आप यहाँ पर है, मीरा भाईंदर मैंग्रोव से हमेशा घिरा हुआ शहर रहा है, क्या लगता है कि मैंग्रोव सबसे बड़ा कारण है ये काटना और पानी भरना, ये दोनों कोइंसिडेंस है? देखिए, पहली नगर पालिका जो स्थापन हुई वो 12 जून 1985 को हुई थी, 85 में। 1991 में पहली नगर परिषद बनी थी और इसका ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान और कमेटी का जो था मैं मेंबर था, और हम लोगों ने ये चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के काम किया, क्योंकि हम लोग स्थानिक लोग थे, यहाँ के स्थानिक हैं यहाँ के, तो हमको ये अच्छे से पता था कि हाई टाइड लेवल का जो पानी है वो शहर में कहाँ तक आता है, गांव में कहाँ तक आता है, भयंदर ईस्ट हो, राय, मोरवा, मुर्दा हो, या घोड़बंदर है, या नौगर है, या गुरुदेव हो, या मीरा रोड है, तो उन इलाकों को छोड़ करके हमने DP बनाया। हम लोगों ने जो डेवलपमेंट प्लान बनाया वो रेजिडेंशियल जोन जो कुछ भी तैयार किया उन्हीं इलाकों तक के किया जहाँ पे हाई टाइड लेवल में पानी नहीं आता है, और गांव के अंदर का जो जिसको पहले गांव कहा जाता था, बरसात में या हैवी मानसून में वो पानी ड्रेन आउट हो जाए, उस तरकीब का नियोजन हम लोगों ने किया था। मगर ये अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 5-7 सालों में वो नियोजन DP प्लान अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद जो नॉन डेवलपमेंट जोन है, जो पानी जाने का रास्ता है, सिर्फ मैंग्रोव्स की बात नहीं है, कि जो पानी बाहर निकलने का जो रास्ता है, समंदर में जाने का रास्ता है, नेचुरल फ्लो के नाले हैं, वहाँ पे अगर आप भरनी कर दोगे, आप अगर वेट लैंड के अंदर एनक्रोचमेंट करोगे, तो डेफिनेट है पानी आपके शहर में आने ही वाला है। नाले सफाई से भी कई मुद्दे, कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे थे। हमने बहुत जगह पे देखा कि नालों में अभी भी पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाई थी। अभी इस पे कांग्रेस कुछ कदम खास तौर पे उठाने वाला है, इसमें कोई आंदोलन या विरोध दिखने वाला है? डेफिनेटली नालों की सफाई तो होती ही नहीं है, पिछले 4-5 साल से बहुत बुरा हाल है। टेंडर्स पे टेंडर्स निकाले जाते हैं, नाले की सफाई होती नहीं है, लोग चिल्लाते रहते हैं, गटरों में से कचरा निकाला जाता है, वो रास्तों पे पड़े रहता है, ये तो कंटिन्यूसली इस बात को बोला जा रहा है, मीडिया भी लिख रही है, मगर क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्रशासन की, सत्ताधारियों की है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर लोगों के हेल्थ के हिसाब से खिलवाड़ इस शहर में हो रहा है। आज ये जो पानी आपके सामने यहाँ जो भरा हुआ है, ये खाली बरसात का पानी नहीं है, इसमें गटर का पानी मिक्स है, इसमें बिल्डिंगों के सीवरेज का पानी मिक्स है, और इनमें से इस पानी में से जो लोग चल के जाएंगे, भीगेंगे, उनको डेफिनेटली बीमारियां होने वाली हैं। लोगों से मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँगा कि जो लोग भी बरसात में इस पानी में चल करके निकले हैं रस्तों में से, वो डेफिनेटली अपना इलाज कराएं, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं डॉक्टर को बात करके वो टैबलेट और मेडिसिन ज़रूर लें।
कब तक मीरा भयंदर ऐसे ही भरे हुए पानियों के साथ जाएगा? आने वाले चुनाव के लिए आप लोगों को क्या आह्वान करेंगे? मैं ये आने वाले चुनाव वाली आज की ये बात नहीं है, क्योंकि ये एक जेन्युइन समस्या है और ये समस्या का समाधान वही कर सकते हैं जिनको दूरदृष्टिकोण हो, जिनको खुद का सिर्फ दृष्टिकोण अगर होगा किसी के पास कि ये नॉन डेवलपमेंट जोन को हम निकाल दें, वेटलैंड को निकाल दें, मैंग्रोव्स को निकाल दें, यहाँ पे हम रेसिडेंशियल जोन बना दें, तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनंती करना चाहूँगा, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके इस शहर के भविष्य के साथ ना खेलें। ये बहुत ही बुरा होगा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में आप देखते हो कि आइस बर्ग्स जो है वो पिघल चुके हैं, समंदर का लेवल बढ़ता जा रहा है। ये एकदम से बरसात हो जाना, हाई परसेंटेज में बरसात होना, ये ग्लोबल वार्मिंग है और इसके चलते हुए हमको अपनी मर्यादाओं को सीमित करना पड़ेगा और नेचर ने जो प्रावधान रखा है उस प्रावधान में हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हम अगर वेटलैंड को रिक्लेम करेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? पानी आपके शहर को रिक्लेम करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप फॉरेस्ट के अंदर घुसते चले जाओगे तो जानवर शहर में ही आएंगे ना। हम देखते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क के पास में, मुलुंड में हो या बोरीवली हो या ठाणा में हो, बोलते हैं कि लेपर्ड शहर में आ गया। लेपर्ड शहर में नहीं आता है, शहर लेपर्ड के एरिया में घुस गया है। तो ये जो नेचर है, नेचर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी डेफिनेटली नेताओं पे जाती है, राजनेताओं पे जाती है, क्योंकि उनको दृष्टिकोण होना चाहिए। उनको इसके बारे में मालूमात अगर होगी कि ये चीज़ इस तरह करने से नुकसान होता है, हम भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले समय में आप क्या करने जा रहे हो, किन लोगों को आप अपना नेतृत्व करने देना चाह रहे हो, इस पर सोच विचार करके फैसला कीजिए। बिल्कुल,